Dear friends, hello to everybody. आप लोग जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट देते हैं उसको देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग पढ़ रहे हैं एंड यू हैव अ डाउट. आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन के नेक्स्ट पड़ाव पे हैं. हमने अभी तक चेन रूल तक किया है और आज हम लोग कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं. सो आगे हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं इसको, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने डिफरेंशिएशन के पीछे की जो लेक्चर्स हैं उसको देख के आइए और फिर आप इस क्लास को देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ यू काइंडली सब्सक्राइब एंड यू विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट. This channel is going to provide you a lot of good lectures, content. जहाँ से पहले lecture में खत्म होता है, दूसरे lecture में वहीं से start होता है. So there is a series of lecture. It's not missing. If you see these lectures in detail, this will solve your all purpose. I mean, this will serve your purpose in all way, whether it is for a school exam or for JEE or for IIT or for NEET, whatever it is. So thank you very much. Come along with me and let's go. हम लोग आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक डिफरेंशिएशंस में, उसके ऊपर कुछ चेन रूल का कुछ खास इंपॉर्टेंस. लाइक जरा देखिए, एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखा जा रहा है. लाइक चेन रूल जो हमने पढ़ा हुआ है, राइट, उस चेन रूल पे चेन रूल जो हमने पढ़ा हुआ उसी के ऊपर पहले दो चार क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं. जरा देखिए, पहली बात, अगर आपसे कोई कहे y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, y इज इक्वल क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू दिस तो डिवाइड बाय dx. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक वी आर सेइंग दैट dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx साइन 2x लिखा हुआ. अब यहाँ फंस गए हम लोग, यहाँ 2x है और यहाँ x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ dx है. अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम चेन रूल का इस्तेमाल कर देंगे. सो d साइन ऑफ 2x लिखेंगे, नीचे d ऑफ 2x लिखेंगे, फिर इनटू d ऑफ 2x अपॉन dx करेंगे. अब ये शायद सॉल्व हो जाएगा, शायद क्या, पक्का सॉल्व हो जाएगा. तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ से ये क्या बना, cos of 2x और यहाँ पे d by dx of 2x है, तो ये नोट 2 बाहर ले लोगे और d by dx of x लिखोगे, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, फाइनली ये तो 1 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या है, 2 cos of 2x. क्या सीखा आपने, अगर y is equal to sin 2x है, y is equal to sin 2x है आपके पास, तो dy by dx का रिजल्ट क्या है, 2 cos 2x. मतलब देख रहे हैं आप कैसे फॉर्मूला, मतलब ये याद रखना बेटा, एज अ रिजल्ट याद रखना है. मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, y is equal to sin 2x, तो dy by dx का फॉर्मूला हुआ 2 cos of 2x. एंड आई वॉन्ट दैट यू रिमेम्बर दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए. आपको ये देखना है कि इसमें कैसे याद रखने वाली बात क्या है और क्या, look at this. अगर यहाँ y के साथ sin of 2x है, यानी x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, भाई जो sin 2x को, sin का पता है डिफरेंशियल cos होता है, तो cos 2x कर दिया और जो मल्टीप्लायर है वो यहाँ रख दिया, तो ये हमारा एक ट्रेंड हो गया. ये बेसिक बात हमें समझ गई, ये रिजल्ट हमें याद रखना पड़ेगा, राइट. अब मैं ये बात अगर हम समझ गए तो दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो अगर हमसे कोई पूछे y इज इक्वल टू साइन ऑफ nx, तो dy अपॉन dx क्या होगा भाई, व्हाट इज dy बाय dx, तो थोड़ा भी अगर आपने दिमाग लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि नहीं, होता कि जो साइन ऑफ nx होता है,
जैसे 2x आया, cos 2x हुआ, जो x के साथ मल्टीप्लायर है वो बाहर आ गया। तो अगर आप ये वाला यूज करो दिमाग, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, cos ऑफ nx और x के साथ जो मल्टीप्लायर वो n पहले आ जाना चाहिए, यानी कि रिजल्ट होना चाहिए y dy by dx is equal to n cos of nx। बट अगर करके देखना है तो सो सिंपल लाइक dy by dx दैट इज d by d nx लिख दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ sin of nx लिख दिया, और फिर d of nx कर दिया, और नीचे dx कर दिया। तो ये साफ हो गया ना भाई कि ये होगा cos of nx और इनटू क्या n d by dx, n इनटू d by dx ऑफ, चलो एक ऐसे भी लिख दो, दिस इनटू x। तो ये फाइनली आया क्या, n cos of nx, in cos of nx, that's what the result is. So idea is that कि cos of nx is equal to n d by dx of x, that is n cos nx. तो आपके पास result क्या हो गया बेटा, ये if we take this result, कुछ इस तरीके से इस result को importance देके लिखा जाए, by d y upon if y is equal to sine of nx, sine of nx, sine of nx, then dy by dx is equal to n cos of nx. ये result हमें बेहतर तरीके से याद रखना चाहिए, that is what I want you to say. ये result हमें याद रखना चाहिए, right? दूसरी बात, तो क्या similarly हम यहाँ पे ये लिख दें कि similarly, if I say similarly इसी तरीके से, अगर कोई ऐसे हो कि y is equal to cos of nx हो, cos of nx हो, तो dy by dx क्या होगा भाई, what is dy by dx, what is it going to be there? तो आप क्या करेंगे, ये दो रिजल्ट हमने पढ़ लिए हैं, पीछे भी पढ़ लिया, ये तीसरा रिजल्ट है। तो dy by dx अगर आप निकालना चाहते हैं, ये cos है हमारे पास, तो आप कहोगे d by dx of cos of nx चाहिए आपको, cos of nx पहले ये लिखा, फिर अगले स्टेप में लिखा ओके d by d, यहाँ क्या लिख लिया nx लिख लिया, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा, and choose this particular color and saying this cos of nx लिख दिया, और फिर d of nx लिखा, और नीचे क्या आ गया dx आ गया। if you do it what comes out here, this is that cos का differential क्या होता है जी, minus, तो ये क्या हो गया minus sin nx हो गया, and इसका तो result क्या गया n, तो ये result क्या हो गया minus n sin of nx, ये result हो गया by dx of cos of nx, तो result आ गया minus this, तो ये result हो गया हमारे पास, यानी कि यहाँ से हमने बोला dy by dx हमारे पास ये result आ गया, this is what. तो idea is that कि अगर इसके साथ जो मल्टीप्लायर होता है, आप देख रहे हैं वो कैसे आ रहा है, तो जरा इस बात को, जो ये मल्टीप्लायर वाली बात है, थोड़ा इसको और आगे ले जाके खींचते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तीन रिजल्ट हमने पढ़ लिया, अब चौथे रिजल्ट पे जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग ऑन फोर्थ रिजल्ट। लेट्स सी, दिस फोर्थ रिजल्ट इज सेइंग, राइट, अगर कुछ इस तरीके से लाइक ये सपोज कर लो y इज इक्वल टू log ऑफ एन एक्स हो, अब देख रहे हो यहाँ भी x के साथ ही मल्टीप्लायर है, तो अगर dy by dx पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या, x का मल्टीप्लायर ये है, तो यहाँ आंसर क्या होगा 1 by nx, you understand, and that is equal to 1 by x। तुम पूछोगे ये कैसे आ गया सर, how, तो देखो भाई चेन रूल लगाइए आप, पहले dy by dx करिए, अगले स्टेप में d by d and x लिख दीजिए, and log of nx कर दीजिए, फिर अगले स्टेप में लिखिए d by d, और यहाँ क्या लिखे nx लिखिए, and log of nx लिख दीजिए, और फिर d of x of nx लिख दीजिए। अब इसका क्या होता है, log of nx है, तो यहाँ भी ये क्या आएगा, this will come out 1 by nx,
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स क्या होगा, एन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, ये आया क्या एन एन कट गया वन बाई एक्स। तो ये देखने की जरूरत है कि डी वाई बाई डी एक्स इज एन टाइम्स ऑफ वन बाई एन एक्स और कट के ये आया वन बाई एक्स। तो ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक्स के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वन वन के अंदर जो रिजल्ट जिस तरीके से निकाला गया, टू में जैसे किया गया, थ्री में जैसे किया गया, फोर में जैसे किया गया, दिस रिजल्ट आर क्वाइट ऑब्वियस। सो गाइज नाउ we have done this four results we have done. In results करने के बाद अगर मैं आपसे ये expect करूँ कि अगर मैं आपसे ये question लिख दूँ, it was question number five I should say, right? If y is equal to 4 sec of 6x, तो dy by dx क्या होगा? तो आप अगर video pause करके और इसका answer आप जबानी लिखें और फिर देखिए कि आपका answer आता है कि नहीं आता है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। सो द आंसर ऑफ दिस इज लाइक इफ यू यूज डीवाई बाय डीएक्स तो यू विल सिंपली राइट दिस 4 इज इक्वल टू यू शुड राइट 4 बाहर निकाल दिया डी बाय डी ऑफ 6x कर दीजिए आप फिर सेक ऑफ 6x कर दीजिए और फिर d of 6 of x upon dx कर। So, ये क्या हो गया 4 आ गया और इसका क्या होता है तो ये हो जाएगा आपके पास this is sec of 6x and tan of 6x और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 into 1 तो फाइनली ये आया क्या 24 sec of 6x into tan of That's what your result is, dy by dx. ये आप जवानी भी कर सकते थे। तो मैंने आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन से आपको ये समझाया कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी एक छोटा सा सवाल मैं चाहूंगा कि आप चलिए अगले पेज पे चलते हैं या यहीं पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सपोज कर लो मैंने आपको y इज इक्वल टू log of साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये सवाल है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर तो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा व्हाट इज दिस डीवाई बाई डी एक्स तो ये क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करिए एंड देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है राइट लुक एट दिस वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग दिस लाइक हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है log of y is equal to log of sine of x square ये so now dy by dx पूछा गया है तो this will be saying d by dx x के जगह पे आप क्या लिख दीजिए चल पहले यहाँ लिख लो log यहाँ क्या लिखोगे sine of x square so now यहाँ पे लॉग के साथ ये पूरा टर्म तो आप यहाँ पूरा लिख दीजिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर क्या करिए डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है फिर यहाँ साइन के साथ एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए फिर यहाँ डी ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए और नीचे क्या हो गया डी एक्स अब आपका सबसे फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि पहले लॉग फंक्शन के लिए लॉग के साथ जितना है वो सब कुछ लिख दिया तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का रिजल्ट लग जाएगा यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक का रिजल्ट लग जाएगा यहाँ अलजेब्रिक का रिजल्ट लग जाएगा दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर सो व्हाट कम्स आउट हियर दिस विल बिकम 1 बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिस एंड नाउ दिस कम्स आउट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट 2x तो ये सॉल्व होकर के हुआ क्या cos x square upon sin x square मतलब tan of x cot of x square और into 2x तो ये result आपके पास आ गया 2x cot of x square this is how this result can be यानी कि ये question जो question number 6 है right this can be done like this ये solution है so एक क्वेश्चन मैं आपको और चाहूंगा कि आप देखिए जरा और उसके बाद हम
आपको एक नई चीज सिखाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लेट सपोज कुछ इस तरीके से सवाल आ गया, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके का सवाल है। अब फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। सो यू ऑल आर बीइंग गिवन 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 30 seconds. So what I believe is, like, if you have started right, that's okay. Now let's see. So here in this part, d by dx of sine square of x square, ये सवाल है। तो यहाँ समझना होगा आपको, ये actually है क्या? This is sine of x square, ये angle है, और इस पूरे का ये whole square है। तो आपको ये ऐसे लिखना होगा, d साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड पूरे का होल स्क्वायर। और अब यहां पे डी और यहां लिखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। आप राइट लाइक दिस और फिर ऐसे लिखिए डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाइए डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड फिर लिखिए डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन। So if you do it like this, तो अब अगर आप इस थोड़ी देर के लिए, I would suggest that कि आप इसको थोड़ी देर के लिए p मानिए, जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर उसको p मानिए, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर है, वो भी p होगा। तो अब जरा देखो ये क्या हुआ, डी पी स्क्वायर अपॉन डी पी, यानी कि 2p आ जाएगा डायरेक्ट। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ, साइन का जो फंक्शन है उस पूरे का स्क्वायर है, तो आपको ये ऐसे समझना पड़ेगा कि हाउ दिस हैज बीन डन। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट आंसर क्या लिखा जी, आंसर इज नाउ, आंसर इज डी बाई डी पी ऑफ डी बाई डी पी स्क्वायर है, सो ये 2p आना चाहिए, तो विल राइट 2 और p की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। लो जी ये रिजल्ट लिख दिया पहले, इसका डिफरेंशिएशन है। और इसकी बात करें तो अब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन ऑफ दिस डी ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि डी बाई, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, मतलब वैसे ही ये सब चीजें समझा चुका हूं मैं आपको, बट अगर आप इसको जेड मान लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, जेड मान लीजिए, ये भी जेड मान लीजिए, तो अब ये क्या हो गया, डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड है, कॉस जेड आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस एक्स स्क्वायर, लो भाई हो गया। And d by dx of x square क्या हो गया, 2x। तो आपका result finally आया क्या, this 2 into 2 4, then x sin of x square and cos of x square, like this is what। कुछ लोग आगे trigonometry का formula जानते हैं तो वो और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं, और ये 2 इसके अंदर डाल दिया, और फिर 2 sin x square cos of x square लिख दिया, sin 2x square। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो अभी परेशान मत होइए, ये आइडेंटिटी यूज की है, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। तो ये रिजल्ट हो गया, हम इसको भी आप रिजल्ट समझिए, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं, 7 क्वेश्चंस किए हैं, वो चेन रूल को भी यूज कर लिया, चेन रूल को यूज करते हुए, और साइन का अभी देखा आपने क्या किया, मैंने साइन के साथ जो एक्स था उसमें मल्टीपल लगाया, एक्स का मल्टीपल लगा के पहले क्वेश्चन आपको सिखाया, राइट। फिर लॉग में भी हमने करके दिखाया ये, फिर थोड़ा और एक उसका एक एग्जाम्पल लेके चल लिया, फिर लॉग के अंदर मैंने एक फंक्शन रख करके वहां पे आपको दिखा दिया कि ये कैसे किया जा रहा है, हाउ वी आर डूइंग इट। एंड नाउ अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर करके लेके चला, वो हो सकता है ये क्यूब होता तो क्या हो जाता है, यहाँ 3 होता तो फिर ये क्या हो जाता है, 3 sin x square। मतलब कैसे किसी फंक्शन का पावर लेकर के चलना है, तो दिस इज व्हाट वी वर लर्निंग, राइट। अब मैं आप लोगों को अभी तक जो सिखाया है चेन रूल वगैरह, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इनवर्स फंक्शन का
हम लोगों ने रिजल्ट नहीं पढ़ा है, तो अब इनवर्स फंक्शन का रिजल्ट हम लोग करेंगे, राइट? सो लेट्स गो फॉर दैट. सो नाउ वी हैव डन दिस मच, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट्स सी आगे हम क्या कर सकते हैं. तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7, सो विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. थोड़ा मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बना दूं कि अगर ये y इज इक्वल टू tan ऑफ n स्क्वायर x स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बोला डीवाई बाई डी एक्स बताओ. अच्छा, थोड़ा और परेशान करने के लिए tan स्क्वायर भी डाल देते हैं, tan ऑफ स्क्वायर ऑफ n स्क्वायर x स्क्वायर, और बोला जी डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा. तो क्या उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि tan के अंदर ये जो ब्रैकेट है ये इसका एंगल है और इस पूरे का स्क्वायर है, तो मतलब tan फंक्शन का एक स्क्वायर लगा हुआ है. तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, देख के कुछ भी नहीं घबराना इसको, जस्ट ओके लेट मी डू. तो टी डी लिखा y के जगह पे, पहले ये लिखा tan n स्क्वायर x स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन लिखा और इस पूरे का ये क्या है यहाँ पे स्क्वायर. तो अब नीचे क्या लिख दिया यहाँ पे टी. अब ये पूरे का पावर स्क्वायर है ना कि अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पे भैया पूरा लिख दो एक बार tan ऑफ n स्क्वायर x स्क्वायर. ध्यान रखना ब्रैकेट कितना इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा है कहाँ पे क्या मीनिंग है, समथिंग लाइक दिस. तो अब यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन का रिजल्ट लग जाएगा, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का नहीं लगेगा भाई. इस पूरे को अगर आप जेड मानेंगे, इस पूरे को अगर आप जेड मानेंगे तो ये भी पूरा क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा. ये क्या बनेगा, डी जेड स्क्वायर अपॉन डी जेड. तो ये अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, ट्रिगोनोमेट्री का नहीं लगेगा. अब अगली पार्ट में देखते, अब डी लिखा राइट. अब यहाँ पे डी लिखा हमने, और डी के बाद डी बाई ये रिजल्ट हमने लिख दिया. अब क्या करना है हमें, डी ऑफ टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा. नीचे क्या आ जाएगा भाई, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बीच में ये थीटा के फॉर्म में, तो यहाँ पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा n स्क्वायर x स्क्वायर, पूरा ही लिखना पड़ेगा. लिख दिया. अब अगले स्टेप में क्या करें जी, d ऑफ n स्क्वायर x स्क्वायर किया और नीचे क्या कर दिया जी, dx कर दिया. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, दिस इज, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा. विल टेक दिस, तो ये रिजल्ट आया है इसको सॉल्व करने पे, दिस इज वी आर गोइंग टू राइटिंग 2, दिस इज tan ऑफ n स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब 2, जैसे ये d बाई dz ऑफ z है, ये 2z होना चाहिए था, d बाई dz ऑफ z स्क्वायर है, तो क्या होगा रिजल्ट, ये z मान लो इसको 2 लिखा हुआ है, तो 2z होना चाहिए, तो समथिंग लाइक दिस. और ना हो यहाँ पे फिर मैंने बोला इसको जेड मान लो, अगर अच्छा इसको जेड मान चुके हैं तो आप इसको कुछ और मान सकते हैं, लाइक चलो लेट्स सी दिस इज टी एंड दिस इज टी ऐसे मान. तो डी ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ या टेन ऑफ टी, और नीचे डी टी है, तो ये सेक स्क्वायर टी होना चाहिए, ये सेक स्क्वायर ऑफ, और टी की जगह पे क्या एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ क्या रिजल्ट आया जी, सो दिस इज एन स्क्वायर बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दैट इज 2x. तो ये रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, 4x tan of n square x square or then sec square n square x square. That's what we have got it. This is what the result is. 2 to 4 n square x. That's the result of this particular question. अब हमने एक नए तरीके के questions की तरफ लेके जा रहे हैं, वो inverse functions आपको मैं पढ़ा के समझाना चाहूंगा कि ये क्या चीज हो जाए. Now याद करो मैंने पिछले लेक्चर में इनवर्स के बारे में जिक्र किया था, बट मैंने उसका डिफरेंशिएशन ही बनाया था. तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. सो नाउ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन की बात कर, उनके डिफरेंशिएशन की बात कर. तो क्या चीज है, तो पहला एग्जाम्पल को ठीक से समझते हैं, और पहला एग्जाम्पल अगर ठीक से समझ में आएगा ना, तो हमें बड़ी आसानी से बाकी एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग हियर. क्वेश्चन है ये, हमने जो क्वेश्चन किया था पीछे वो 8 था. अब ये जो कुछ पढ़ेंगे हम लोग वो सब रिजल्ट के फॉर्म में याद रखेंगे,
देखो ये रिजल्ट के फॉर्म में याद नहीं रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, ये क्वेश्चन है, ये भी नहीं रखेंगे, क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, बट ये सब रिजल्ट है, फोर नंबर ये रिजल्ट है, ये थ्री रिजल्ट है, ये टू रिजल्ट है, ये वन रिजल्ट है, ये सब वन टू थ्री फोर आपके लिए रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा। फिर मैंने फाइव सिक्स सेवन जो क्वेश्चन कराए हैं आपको और एट जो क्वेश्चन कराया है, इसका रिजल्ट आप याद रखिए, यहाँ प्रोसेस समझना था। अब जो यहाँ पढ़ रहे हैं आप, इसका रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो लेट सपोज समबडी सेइंग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। सो नाउ साइन इनवर्स ऑफ x, तो dy by dx क्या होगा, dy upon dx क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा इनवर्स के बारे में आप समझ लें। ये बताया जा रहा है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो dy by dx क्या होगा। तो यहां हमें ये सीखना है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा लिखा हुआ, तो मतलब वी मस्ट नो, पहले ये मोटी बात समझ लें, वी मस्ट नो व्हाट दिस, तो दिस इंप्लाइज साइन y, यानी कि ये साइन इधर चला गया, इज इक्वल टू x, पहले तो ये मोटी बात समझनी है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो दिस इंप्लाइज cos y is equal to x, ये होता है trigonometric inverse, जब inverse circular function, मतलब trigonometric function होगा, तो उसको ऐसे समझा जाता है। ऐसे नहीं कि भाई हमने तो पढ़ा है भाई a inverse का मतलब होता है 1 by a, not this, ये यहाँ apply नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे समझना है इस बात को। ये भी समझाया जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है, but for that we want you to focus on this result, कि how results we derive, अदरवाइज वो भी बताया जा सकता है। फिलहाल cos y is equal to x हो गया। Now उसी तरीके से y is equal to tan inverse of x लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, tan y is equal to x हो जाएगा। अगर y is equal to cot inverse of x लिखा हुआ है, तो it means cot of y is equal to x बन जाएगा। Now you can also write y is equal to sec inverse of x है, तो ये क्या हुआ, sec y is equal to x हो जाएगा। y is equal to cosec inverse x है, तो cosec y is equal to x हो जाएगा। So, मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पहले पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि y is equal to sin inverse x, तो dy by dx क्या होगा, कैसे होगा। Now we are going to solve this question. So y is equal to sin inverse of x बोला गया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब वी नो दैट व्हाट, इफ y इज इक्वल टू sin inverse x मींस देन sin इधर आएगा, तो sin y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा, sin y। चलो जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे बोला है कि dy by dx निकालने के लिए, तो मैं अभी क्या करता हूं, सिर्फ उल्टा करता हूं, यहां x लिखा हुआ ना, तो ऐसे लिखता हूं d by dy ऑफ x लिख देता हूं। तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, d by dy of sin y लिखना पड़ेगा। बहुत चलाकी से ये स्टेप पकड़ा जा रहा है, ये ध्यान से समझना है। तुमको ये बोला गया, तो बोला इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो यहाँ भाई x इन इस तरीके में, you know, x is dependent upon y by this function, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और ये कौन हो गया, डिपेंडेंट। आई रिपीट व्हाट आई सेड, इफ x इज इक्वल टू साइन y, तो जैसा कि हमने पीछे सीखा हुआ है, उसके हिसाब से क्या ये y क्या हो गया, y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो dx by dy करने का मतलब तो वही हुआ ना सीन, जो हमने पढ़ते थे कि ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, नीचे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। एक तो ये बात समझ जाइए, और अगर आप ये नहीं समझना चाह रहे हैं, तो आप कहिए कि ओके, आपको तो dy by dx निकालना है सर, कोई बात नहीं, बट हम थोड़ा घूम के निकालेंगे। तो अभी हमने आपको ये कहूंगा कि x is equal to sin y है, तो आप d by dy of x लिख दीजिए, तो यहाँ पे dy of x की जगह पे क्या लिखिए, यहाँ sin y लिखिए, क्या लिखिए, ऐसे लिखिए। ये थोड़ी चतुराई है, क्लेवरनेस है। और अब देखो, अगर d by dy of sin y है, तो ये क्या होना चाहिए, cos y होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अगर dx by dy की वैल्यू cos y हुई, तो dy by dx कितना होगा, उसका उल्टा कर दिया, ये क्या आ गया, 1 by cos y होगा।
अच्छा क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है लाइक कि कॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ वाई, भाई अब सबने पढ़ा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, देयरफॉर कॉस वाई इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, इतना तो आप सबके पास जानकारी होगा। तो इसका मतलब कि 1 बाई कॉस वाई को ये लिखा जा सकता है, आप देखो ये डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, और तुम देखो साइन वाई किसके बराबर है, साइन वाई बराबर है एक्स के, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 1 बाई 1 माइनस साइन वाई को हमने एक्स लिख दिया तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ रूट आ गया, लो भाई ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, पर भैया हमें तंग कर देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास चला है। सो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो हमने पहले ये समझाया कि देखो ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है, ऐसा क्यों करते हैं अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये होता है, क्योंकि अभी हम इसका डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं, वाई वी डोंट इनवर्स का ऐसा मतलब होता है जो हम पीछे पढ़ रहे थे, ये वाला मतलब क्यों आपने पढ़ा दिया, तो सर्कुलर फंक्शन में ऐसा क्यों होता है, राइट ये बात अभी डिस्कस में नहीं करना चाहता, वरना टॉपिक हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। और अब बोला कि ऐसा आप मान के चलो, तो अब अगर ऐसा मान के चल रहे हैं तो अब आगे क्या हो रहा है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यानी कि वी नो दैट साइन y विल बी इक्वल टू x, अगर ये इधर चलाएगा तो साइन y x बन जाएगा, इसका मतलब x कैन बी रिटन एज साइन y, तो अब अगर d बाई डी वाई करूं मैं इसका, d बाई डी वाई करूं एक किसका x का, तो x यानी कि d बाई डी वाई साइन y करें, तो यहां तो एक फॉर्मूला जैसा हो गया ना, हमने पढ़ा था d बाई डी x साइन x होता है तो cos x होता है, यहां y है या y है तो यहां cos y हो गया, सो नाउ dx अपॉन dy इज इक्वल टू cos y, तो अब अगर इसका उल्टा कर दें हम, यानी कि dy बाई dx कर दें तो क्या हो गया, ये भी 1 बाई cos y हो जाएगा, तो मैं इसको सेक्वाई नहीं लिखना चाहता, अभी इसी फॉर्म में छोड़ देना चाहता हूँ, सेक्वाई लिखूंगा तो फिर थोड़ा अपने लिए ट्रबल पैदा करने वाली बात है, तो 1 बाई cos y हो गया, अब हमने बोला cos y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट बना के लिख दें, लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, सो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, सो वी कैन राइट 1 माइनस दिस साइन स्क्वायर y से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे साइन y की वैल्यू क्या रख दी हमने, x रख दी, क्योंकि साइन y आपने बोला x, तो 1 माइनस x स्क्वायर का रूट, इस तरीके से रिजल्ट आ गया, सो दिस इज माई रिजल्ट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, किसका, यानी कि आपके पास यहाँ रिजल्ट क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स व्हाट द रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है बच्चों, सो वी हैव डन दिस रिजल्ट, बच्चों आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, तो अभी देखिए हम लोग ये 9 पे थे, अब हम चलेंगे 10 पे, सो अब 10 पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, राइट आई एम नॉट राइटिंग एज अ क्वेश्चन बट आई एम एंटरटेनिंग एज अ क्वेश्चन बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये हैशटैग इसलिए चल रहा है, आपको ध्यान रखना होगा इस बात को, अब y इज इक्वल टू इफ आई टेक दिस, अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू इफ आई यूज दिस पर्टिकुलर कलर एंड से y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है जी, cos इनवर्स x है, तो बताओ dy बाई dx क्या होगा जी, अब ये सवाल बन गया, तो फिर वही तरीका यूज करेंगे, since y is equal to cos inverse of x, therefore cos इधर आएगा, तो cos of y is equal to x, this implies x is equal to cos y, फिर d by dy of x, यानी कि d by dy कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, d by dy of cos y आ जाएगा, और d by dy of cos y क्या होता है जी, minus sin y, ये हमने trigonometric function का derivation में पढ़ रखा है, तो आपके पास dx upon dy आ गया minus sin of y, तो अब अगर dy by dx पूछा जाए आपसे, यानी कि उसका उल्टा पूछा जाए, तो ये क्या हो गया, minus 1 by sin y, ऐसे कर minus यहाँ रख दिया, 1 by sin y कर दिया, और अब थोड़ा सा दिमाग ला दिया, यहाँ minus रख दिया 1, और sin, देखो जी, y, अभी आपने बताया x is equal to cos y,
तो कॉस वाई की वैल्यू एक्स है, तो साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, तो साइन वाई को हम लिख सकते हैं ना रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो ये क्यों लिखा जा रहा है, चूंकि हमें कॉस वाई पता है एक्स के फॉर्म, तो अगले स्टेप में रिजल्ट क्या हो गया, माइनस वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल रिजल्ट है ना, जरा गौर से देखिए आप, पहले यहाँ पे अब लिख रहा हूं मैं, तो यानी कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है वो, तो dy by dx की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड आई वॉन्ट इट टू पुट इट इन अ प्रॉपर ब्रैकेट, लेट्स सी। इस रिजल्ट को आपने देख लिया यहाँ पे, और उसी तरीके से मैं अगर यहां जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, अब आप ये दोनों रिजल्ट को देखिए, यहाँ पे dy by dx में क्या है, यहाँ माइनस है, नहीं, वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेम रिजल्ट है, यहाँ कॉस है तो यहाँ रिजल्ट सेम है, बट यहाँ एक साइन माइनस का है, ये ध्यान रखना होगा कि कैसे, ये हमें याद रखना है। सो वी हैव डन दिस पॉइंट नंबर 10 ऑल्सो। अब पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं एंड सी हाउ वी आर डीलिंग विद दिस। अगर हम पॉइंट नंबर 11 पे चले एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x लिख लिया जाए, अब क्या होगा जी, तो ठीक है जी, दिस इंप्लाइज लाइक tan ऑफ y इज इक्वल टू x, यहाँ लिखा dy by dx पता करना आप, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, then tan ऑफ y इज इक्वल टू x, और तब उस केस में अगर आपसे बोला जाए x is equal to tan y करो, ये स्टेप भी कोई लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली यही लिख सकते थे, बट फिर भी, so now dx by dy, तो अगले स्टेप में d by dy of tan of y कर दिया, तो अब ये dx by dy क्या हो गया जी, यहाँ पे इस देखो, यहाँ tan of y और y है, तो ये क्या हो गया, sec square y हो गया, sec square y, अब तो one हमें तो dy by dx चाहिए, so this implies dy by dx is what? dy by dx is equal to 1 by sec square y. अब हम कहेंगे सर हमें तो tan y के वैल्यू पता है, यहाँ sec square आ गया, क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा दें, can we write 1 by tan square y plus 1? अब सब लोगों ने 10th class में trigonometry में पढ़ा 1 plus tan square x is equal to sec square x, sec square y है तो 1 plus tan square y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, tan y is x, तो tan square y is x square, तो ये रिजल्ट क्या है, one by just write like this, so this is equal to 1 by 1 plus x square dy by dx आ गया। so इसका मतलब कि अगर आपके पास y is equal to tan inverse x है, तो उसका dy by dx क्या है, 1 by 1 plus x square, इसमें रूट भी नहीं है, ध्यान रखना, और यहाँ 1 plus x square। so अब अगर cot inverse करने जाएंगे तो यहाँ साइन क्या आएगा, सिर्फ माइनस का, माइनस 1 by 1 plus x square। देखिए उस रिजल्ट को कैसे हम लोग अचीव कर रहे हैं, तरीका सेम है, सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज नाउ, सो वी आर जस्ट सेइंग लाइक दिस इज 12 नंबर पॉइंट, राइट। सो लेट्स सी y इज इक्वल टू cot of inverse x लिख दिया गया, बोला dy by dx बताओ भाई, dy by dx क्या होगा, so y is equal to cot dy by dx हमें निकालना है, so what we'll do is again cot of y is equal to what, x, cot y is equal to x। अब अगर ऐसे लिख दिया तो फिर हम क्या करें, अब सीधा सीधा है, यानी कि d by dy of cot of y, तो उसको क्या d by dy of x लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, d by dy of x लिख दिया और यहाँ ऐसे लिख दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, so now dx by dy is equal to what, ये हो गया minus cosec square y by d by dx of cot x minus cosec square x, तो यहाँ y है तो ऐसे लिख दिया। अब ये देखो यहाँ क्या गलती हुई, ये dx by dy ये था, हाँ जी, तो यहाँ पे हमें y लिखना था, so dx by dy is this, dx by dy is this। अब अगर dy by dx लिखना है तो dy by dx क्या होगा यहाँ से, so dy by dx is minus, यही रहने दो और यहाँ ले जाके लिख दो, क्या लिख दें भाई, cosec square y,
यही ना होगा, रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा। अब अगले स्टेप यहाँ माइनस रहने दो और वन बाई यहाँ क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर को वन प्लस कॉट स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, पढ़ाई होगा आपने, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसमें कॉट वाई की वैल्यू डाल दो तो ये क्या हो गया, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो रिजल्ट है सेम, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, देखिए आपके पास सेम रिजल्ट आ गया। तो एक तरीके से आपने क्या सीखा कि भैया अगर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, देन dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए। नाउ दो और बचे हैं अभी, उन दो को भी जल्दी से कर देते हैं, लेट्स सी। थोड़ा सा उनको करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट लेट्स सी हियर। नाउ वी आर सेइंग एग्जांपल कॉन्सेप्ट नंबर 13, लेट्स सी हियर, आई मीन दिस इज 13। व्हाट इज दिस नाउ, कहा जा रहा है y इज इक्वल टू cosec inverse x। इस कलर को इस्तेमाल करने पे हमें मोटा पेन ही यूज करना चाहिए। सो cosec inverse of x है, राइट? Why is this? तो बताओ dy by dx क्या होगा? So now we'll follow the same track. Now cosec x हो जाएगा यहाँ, cosec y हो जाएगा, and that is equal to what? X. And फिर d by dy of cosec y is equal to what? D by dy of x हो जाएगा। और इसका हम लोगों ने पढ़ा है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ कॉसेक वाई, लिख चुके हैं वाई है ना, तो वी कैन नॉट राइट हियर एक्स, सो वी हैव टू यूज कॉसेक वाई। सो दिस इज कॉसेक वाई एंड कॉट ऑफ वाई, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज डी एक्स बाई डी वाई। सो ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब आपको dy by dx चाहिए, तो dy by dx चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, that you will be writing minus 1 by cosec y and fair what? Cot of y. This is what you will be writing. Now minus 1. अच्छा cosec y को क्या लिखेंगे आप, x, और cot y को क्या लिखेंगे सर? अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 1 plus cot square y is equal to what? Cosec square y. So cot square y is equal to what? Cosec square y minus 1. So cot y is equal to how much? Root of cosec square y minus 1. तो अगर हम ये यूज करेंगे तो cot y को cosec square minus 1 का अंडर रूट करेंगे तो cosec y तो x है, यहाँ क्या होगा x स्क्वायर, भाई cosec y x है तो cosec स्क्वायर y मतलब x स्क्वायर माइनस 1, और ये रूट के अंदर आएगा, तो हमने यहाँ पे रूट लगाया और यहाँ लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1। लो भाई ये रिजल्ट आ गया। तो एक तरीके से आपके पास dy by dx क्या आ गया यहाँ पे, so dy by dx is equal to minus 1 upon x under root x square minus 1. And that is, I said you should remember it as a result. So that's what the result is, right? तो अब अगर cosec inverse x की जगह sec inverse x होएगा तो ये result same रहेगा, यहाँ minus की जगह पे क्या आ जाएगा, plus आ जाएगा। अब वो देख लेते हैं फट से। So now we are talking about 14 concept पे, right? And y is equal to sec inverse of x. So dy by dx क्या होगा जी, ये पूछा गया, ठीक है, y is equal to sec inverse x, so this implies inverse of x है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, this is saying that, now this implies this is sec of y is equal to x, sec of y is equal to x. अब यहाँ पे d by dy of sec y करें अगर हम, ठीक है, अगर d by dy of x हो जाएगा।
अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, sec y tan y लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो गया dx by dy हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, dy by dx क्या होगा, तो dy by dx is equal to 1 by sec y and tan of y। So now this is what, so sec y के जगह पे आप क्या लिखोगे, you said sec y is x लिख दिया, और tan y को क्या लिखोगे, होता ना 1 plus tan square x, like 1 plus tan square y is equal to sec square y। So, tan square y अगर निकालना हो तो क्या होगा, sec square y minus 1, sec square y minus 1, तो tan y की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, root of this, so tan y is equal to root of sec square y minus 1, तो अब यहाँ sec square y की जगह पे x square minus 1, तो ये result आ गया जी, तो एक तरीके से आ गया ना आपके पास dy by dx का result क्या आ गया, that is 1 by x under root of x square minus 1, and that's what I told you, right? So this is so simple to understand ye result. So trigonometric ratio ke andar itni baat samajh gaye aap log. Ab main aapko thoda sa, hamara focus is result pe tha, to hum sare results dekhe, sare results nikal diye, to agar hum in sare results ko ek jagah agar likhe, right, just to put at one place, what is this going to be there at one place? So let's see, y is equal to sin inverse x, so by dy by dx is equal to 1 upon 1 minus x square under root. Is this what you have read? Check this result. Correct. This is what you have gone through, 1 by root of 1 minus x square. So guys, iska thoda is color ko change karke ye 1 minus x square, ya is result ko aise likh dete, 1 by root of 1 minus x square. Okay, this is first. Now y is equal to cos inverse of x, y is equal to tan inverse of x, and y is equal to cot inverse of x, and y is equal to sec inverse of x, and y is equal to cosec inverse of x. Sabka likhna hai. To yahan pe dy by dx kya hoga, yahan dy by dx kya hoga, yahan dy by dx kya hoga, yahan dy by dx kya hoga, aur yahan bhi dy by dx kya hoga. That's what we have to do, right? So यहां आपने लिख लिया ये रिजल्ट, तो अगले स्टेप में यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, दिस कम्स आउट टू बी माइनस साइन सेम हियर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस सिर्फ ये फर्क है। अब टेन इनवर्स की बात करें तो ये आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट देखे जी, ये आपने पढ़ा माइनस में 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट? सो हियर ये माइनस गायब हो जाएगा और ये क्या आएगा, प्लस में 1 बाय एक्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस गिव एक्स स्क्वायर माइनस 1, जस्ट ए मिनट x square minus 1. So इस result को यहाँ आगे बढ़ा के लिख दिया, so this is 1 by x under root of x square minus 1. So ये चीज यहाँ आ गई, this is out. So we have just done this all the results here. तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो result आप यहाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इनवर्स, यहाँ सिर्फ एक माइनस का फर्क आया, टेन कॉट में सिर्फ एक यहाँ माइनस का फर्क आया, सेकंड कॉसेक में, तो इसके पीछे क्या रीजन है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक, अगर आपको बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको अच्छे से समझाना होगा कि व्हाई डू वी डू इट लाइक दिस।
तो ये हमारे पास एक तरीके से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के सारे रिजल्ट्स आ गए, और ये सब आपको याद रखना चाहिए. यू शुड रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस, यू शुड रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस. कुछ भी भूला तो ठीक बात नहीं है. All important. All important. तो ये हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी पढ़ लिया और चेन रूल पे हम कैसे क्वेश्चन करें वो भी समझ में आ गई बात हमें. अब हम आगे अगर अपनी क्लास को ले चले, if we extend it for a while, let's see how we are going to deal with this. अब मैं आपको एक अलग तरीके के क्वेश्चन कुछ करा रहा, एक मैं इसके नाम बताने में आपको इंटरेस्टेड नहीं हूं, राइट? जरा देखना, कुछ इस तरीके का फंक्शन हो जाएगा, ऐसा सवाल आपको मिलेगा करने के लिए. जरा ये देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट. y इज इक्वल टू, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, समथिंग लाइक दिस. y square is equal to 2x square plus y square x, ऐसे लिखा हुआ है. अगर find dy by dx, तो जब इधर भी y है और इधर भी y आ जाए, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक टर्म देते हैं इस तरीके से. एक वर्ड होता है, सिर्फ सुन लीजिए, implicit function. implicit का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर नहीं है. That is implicit function. So, अब ये दोनों तरफ ये y और x आपस में गालमेल किया हुआ है और हमसे भूला गया dy by dx करें. तो ऐसे हालत में हम लोग करते क्या है, what we do, क्या methodology लेते हैं, जरा देखिए. So, हमने बोला dy, यहाँ पे dy लिखा, ठीक है जी, और यहाँ y square कर दिया, फिर यहाँ भी dy लिखा और 2x स्क्वायर कर दिया, और फिर यहां भी dy लिखा और इसको लिखा y स्क्वायर x. सो बिल्कुल मतलब डेरिवेटिव, यानी कि dy, यानी कि दोनों हमने डेरिवेटिव निकाल दिया. इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अब अगर dy ऑफ y स्क्वायर है तो ये तो फॉर्मूला लग सकता है, तो इसको लिखेंगे 2y, सीधा 2y आ गया. इसकी बात करें तो क्या होगा, यहाँ dy है, ये 2x square है, तो पहले 2 बाहर निकाल लेते हैं, dy x square लिखा. Now this is what we can do here. और यहाँ पे y है और यहाँ y square x है. अब ऐसा नहीं कर सकते कि x constant है उसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ x constant नहीं है, यहाँ पे dy by dx पूछा जा रहा है, आप x को यहाँ बाहर नहीं निकाल सकते. अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, देयर यू अप्लाई प्रोडक्ट रूल. तो पहले x लिखिए एंड dy ऑफ y स्क्वायर कर दीजिए, फिर y स्क्वायर को बाहर लिखिए एंड dy ऑफ x कर दीजिए, ये ऐसे लगा दिए. अब व्हाट इज दिस गोइंग टू बी देयर, अब अगर यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी आपको चेन रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ y है, यहाँ x square है, so d, नीचे क्या लिखेंगे dx, यहाँ क्या लिखेंगे x square, फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप dx, नीचे क्या लिखेंगे dy, यहाँ चेन रूल लगा दिया. यहाँ ब्रैकेट में ये y square हो गया, dx upon dy हो गया, और यहाँ पे इनको सॉल्व करने पे ये सीधा सीधा 2y हो गया, तो ये x into 2y आ गया, x into 2y हो गया. ये रिजल्ट हमने कुछ इस तरह से लिख दिया. अब इनको सॉल्व करके अगले स्टेप में, या यहाँ पे अभी जस्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये पता है कि ये 2x होएगा, तो 2x into 2 that is 4x, ये 4x हो गया, ये पूरा 4x हो गया, और dx by dy आ गया. फिर ये यहाँ क्या है, ये आया y square, और ये क्या आ गया dx by, देखो यहाँ पे कुछ गलती कर दी हम लोगों ने, dx और यहाँ dy लिखना चाहिए था, ये x छूट रहा है, dx by dy है. This is dx by dy. So now यह dx by dy हो गया. ये टर्म भी हमने ले लिया. और ये आपस में ये कितना हो जी? 2xy.
अब आप जरा देखो dx अपॉन dy इन दोनों में है, तो इन दोनों में से dx अपॉन dy कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x plus y square आएगा। तो अब आगे चल के हम लोग इस बात को समझते हैं, तो ये क्या बना हमारे पास, व्हाट आई सेड दैट कि ये यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है 4x dx by dy y square this, तो इसमें से जो टर्म कॉमन हो सकता है उसको कॉमन कर लेते हैं। लेट्स गो इन द नेक्स्ट पेज, व्हाट वी हैव हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज 2y, सो दिस इज 2y, this is 2y and now what, this is 4x dx, oh 4x and this is dx upon dy, 4x dx upon dy and then this is y square dx upon dy and what else like 2xy. This is what we have. So now, this 2xy, this 2xy, I bring this side. So you have a 2y minus 2xy. 2y minus 2xy. Or isme se dx upon dy common kar lete hain. To yahan kya aaya? 4x plus y square. Now, if we solve this, yani ki isme se 2y common kar lete hain. 2y common kar liya. 2y common kar liya. To bacha kya ji? 1 माइनस एक्स यहाँ पे एंड यहाँ 4x प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज dx अपॉन dy। तो अब अगर हम पहले इस टर्म को यहाँ लेके आए तो कैन वी राइट दिस इज 2y है, ये ध्यान रखना ये 24 नहीं है, y है। सो दिस इज 2y y 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 4x प्लस y स्क्वायर and that is equal to dx upon dy. Therefore, dy upon dx kya hoga bachcha? This is 4x plus y square and divided by 2y, 1 minus x. Ye 1 minus x hai. This is 1 minus x. 1 minus x. So, bhai, ye humne निकाल दिया जी फाइनली, यानी कि वी जस्ट प्लेड विथ, ऐसा भी हो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और दिस इज हाउ, अगर मतलब क्लियर पता नहीं है कि यार ये तो मिक्स हो गया आपस में, तो हम लोग बस ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे जो मैथमेटिकल सीखा है, ठीक है, और फिर हमें चाहिए था डीवाई बाई डी एक्स, भले यहाँ पे डी बाई डी वाई किया हमने बट बाद में हमने उसको ऐसे प्रकोल करके निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे d by dx करते, d by dx and d by dx भी करते, तब भी हमारा रिजल्ट यही आता। तो दिस आई विल गिव यू द वर्क कि आप इसको करके देखना कि d by dx, d by dx, d by dx करके क्या फाइनली आप उसी रिजल्ट पे पहुंच रहे हो। दैट इज अ होमवर्क टू यू, यू हैव टू डू इट। नाउ आई टेक वन अनदर क्वेश्चन ऑफ सिमिलर पैटर्न हियर, राइट, सो लेट्स सी हियर। So it's 50 number and now here 60 number like. So various questions can be taken like this. Ek question aapko dikha raha hu, y square is equal to, y square is equal to suppose 2x square plus 3xy, aise bolo dy by dx nikalo is case mein, find dy by dx. So what we'll talk about is find dy by dx, dy by dx क्या करेंगे भाई? तो अब आप d by dy निकाल लो या d by dx करके, जैसे भी चलो, anyway you can go ahead। तो यहाँ पे d by dx लिख देते हैं, पहले हमने इधर y ले लिया था, तो एक बार ऐसे करके चलते हैं, फिर d by dx लिख देते हैं, 2x square कर दिया, फिर d by dx of what? 3xy लिख दिया। Let's take a small sharper pencil ताकि space ज़्यादा use हो। अब ये result हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या हो गया जी? यहाँ chain rule लग जाएगा। यानी कि d of d y लिखेंगे आप, y square करेंगे और फिर dy by dx कर देंगे। हो गया यहाँ पे। इनको तो आप solve कर देंगे, d two बाहर निकाल देंगे, d by dx of x square कर दीजिएगा।
और इसमें थ्री बाहर निकाल लीजिए और फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। एक बार लिख लेते हैं फिर इसको बाद में हम। अब ये क्या बना टू वाई, ये क्या बना डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या बना टू, ये क्या बना टू एक्स, और दिस इज थ्री। हो जी एक्स पहले बाहर निकाला तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ गया, और फिर y बाहर निकाला तो d by dx of x हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 4x, यहाँ 3, ये क्या बचा x dy by dx 3 से मल्टीप्लाई करके, और फिर यहाँ क्या बचा 3y और d by dx of x 1, that is ये बच गया, और यहाँ आ गया 2y dy upon dx। अब 2y dy by dx 4x plus 3 कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया। अब मैं इस टर्म को, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं इधर लेके जाऊं तो हमारे पास क्या बनेगा कुछ इफ वी समथिंग लाइक दिस, तो ये लेके जाएं इधर तो ये बना 2y माइनस 3x, ये पूरा इधर गया और बचा गया dy by dx ऐसे, और यहां क्या है जी 4x plus 3y। अब dy by dx क्या हो गया, दिस इज 4x plus 3y and divided by what 2y minus 3x। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर निकाल दिया। सो आई गिव यू टू functions लाइक कि अगर इस तरीके से फंसा हुआ हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, तब भी हम लोग कहीं फंसते हैं तो इसी तरीके से ये काम करते हैं, वी यूज इट। सो यू शुड प्रैक्टिस मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। तो मैं आपको राइट सो ये मैं यहाँ पे इस जगह पे आपको कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ होमवर्क के फॉर्म में, लाइक y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y का पावर 4, इसका मैंने dy by dx होमवर्क, फाइंड dy by dx। ये क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है क्वेश्चन। तो अब इसमें कैसे करेंगे। तीसरा वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा है। सो ये इस तरीके से एक इम्प्लिसिट फंक्शन बना के दे दिया कि आप इन तीन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना है, तो ये आपको एक होमवर्क के फॉर्म में यू शुड ट्राई। एंड नाउ ये जो दो फंक्शन हमने पढ़ाए आपको कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा एक और तरीके के क्वेश्चन फंसता है हमें, उसको हम लोग देख के कर रहे हैं कि अब वो उस पर क्या करना है। नाउ लुक एट दिस, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16, नाउ दिस इज 17। कुछ ऐसा लिखा हुआ, लेट सपोज y इज इक्वल टू, आपसे पूछा जाए 2z स्क्वायर, एक फंक्शन है, और दूसरा पूछा है z इज इक्वल टू 4 रूट टी, ऐसे फाइंड dy by dt। सवाल बना दिया गया ऐसे, इस तरीके से क्वेश्चन। y z पे डिपेंड कर रहा और z t पे डिपेंड कर रहा, बोला dy by dt निकालो। इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब धीरे धीरे, फिलहाल आप सीखोगे ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। अब y z पे डिपेंड कर रहा, z t पे डिपेंड कर रहा, तो क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान से, dy by dt पूछा गया है तो हम इसको लिखेंगे dy by dz, और फिर इसको लिखेंगे dz by dt, ऐसे बात तो सेम है, ये कट के यही आ जाएगा। और अगले स्टेप में d by dz और z y की जगह पे क्या लिख देंगे 2z स्क्वायर, और फिर d by dz of 2z स्क्वायर यहाँ पे ये लिख दिया, और फिर dz by dt, और z कितना है जी हमारा 4 रूट ऐसे लिखती है। तो इसका तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बता सकते हो, 2 बाहर निकालेंगे यानी कि ये क्या रिजल्ट आ गया 2 बाहर आ गया, और z स्क्वायर के लिए क्या आ गया
जेड आ गया, टू जेड आ गया जी, यहाँ पे ये रिजल्ट हो गया। और यहाँ देखिए तो ये क्या बना, फोर बाहर, और अब क्या है डी बाई डी टी ऑफ रूट टी, इसका भी फॉर्मूला हमें मालूम है। तो ये क्या है फोर जेड आ गया यहाँ पे, और फिर फोर आ गया, और इसका होगा वन बाई टू रूट टी, पिछले लेक्चर में सब समझा चुका हूं मैं, राइट। अगर ये नहीं आ रहा तो यू कैन ट्राई फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। तो अब ये फोर और फोर सिक्सटीन आ गया, और क्या आ गया जेड आ गया, सिक्सटीन जेड, और नीचे क्या आया टू और रूट ऑफ टी आ गया। तो क्या हम आंसर इस फॉर्म में छोड़ दे, नहीं, हमें तो डीवाई बाई डी टी निकालना है, और जेड कितना है फोर रूट टी, तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दे तो ये क्या आएगा 16, जेड की जगह पे लिख दिया फोर रूट टी, और नीचे क्या है टू रूट टी। हाँ जी, रूट टी रूट टू कैंसिल, 64 बाई टू, दैट इज 32 आंसर है। लो जी डीवाई बाई डी टी हमारे पास ये आ गया। सो दिस इज वॉट लाइक, मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये दो स्टेप का क्या, तीन स्टेप का भी हो सकता है, छह स्टेप का भी हो सकता है। तो मतलब कुछ इस तरीके से, यानी कि इस चीज को निकालना है तो हम ऐसे फिर ऐसे देख रहे हैं आप, यानी कि डीवाई बाई डी टी बोलेगा तो पहले अच्छा वाई जेड पे डिपेंड करा, ओके, फिर जेड टी पे डिपेंड करा, ऐसे यूज कर लिया। तो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ अब, और उसके बाद ये लेक्चर खत्म करूंगा। एंड दिस सपोज y इज इक्वल टू, कोई कहता है राइट टू टी स्क्वायर, ओके, टी इज इक्वल टू कोई कहता है फोर रूट ऑफ x, x इज इक्वल टू राइट जेड क्यू, फाइंड डी वाई बाई डी जेड, सवाल है। तो अब हम इसके जगह पे क्या करेंगे, y t पे डिपेंड कर रहा है, t x पे डिपेंड कर रहा है, x z पे डिपेंड कर रहा है, तो बड़ा सिंपल है, यानी कि dy by dz क्या होएगा हमारे लिए। सो दिस इज विल से dy by dt लिख देंगे, फिर dt by dx लिख देंगे, फिर dx by dz कर देंगे। देखो जी ये इससे इससे कैंसिल होकर फाइनली जो पूछा जा रहा है वो आ जाएगा हमारे पास। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, d by dt ऑफ y के जगह पे 2t स्क्वायर, फिर d ऑफ dx, t के जगह पे 4 रूट x, एंड फिर d ऑफ x बोला, x क्या जेड जेड क्यूब, और नीचे क्या आ गया dz, तो भाई ऐसे लिख दिया। अब सबके लिए फॉर्मूले लगा सकते हैं, तो ये क्या बना 2 बाहर और d by dt ऑफ t स्क्वायर, दैट इज अगेन 2t राइट, फिर इनटू फोर बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, एंड डी बाई डी जेड ऑफ जेड क्यू, दैट इज थ्री जेड स्क्वायर, पहले ये लिख दिया। अब हमारा आंसर डी वाई बाई डी जेड है, तो हम जिस सबको जेड में अगर लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले यहां देखो फोर टी इंटू फोर बाई टू, दैट इज टू, and that is 3, and this is z square, और नीचे कौन है हमारे पास root of x। अब आंसर आप सबको z के एक टर्म में लेके आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो t को आप क्या लिखेंगे, t is equal to 4 root x, पीछे मत चले जाना, y मत लिख देना, so this is 4 root x, 4 root x कर दिया, फिर into 2 लिख दिया, and 3 z square। अब x इज इक्वल टू जेड क्यू है, और यहाँ जेड स्क्वायर की बात कही जा रही है, ठीक है जी। सो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या होगी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए बस लेट्स सी, x इज इक्वल टू जेड क्यू है, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, x का पावर 1/3, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x का पावर 2/3। तो हमें यहाँ पे 3z स्क्वायर था, तो z के जगह पे z स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, x का पावर 2/3, और अब नीचे क्या आ गया, रूट x आ गया राइट। सो ये रूट x एंड रूट x क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है जी। तो अब ये बचा गया 4 4 16 2 32 और 3 96, और x का पावर व्हाट 2/3, और x का पावर 2/3 व्हाट z स्क्वायर, सो यू कैन राइट 96 z स्क्वायर। इसी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो,
या इस फॉर्म में लिख सकते हो, दिस व्हाट योर आंसर इज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई बिलीव यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड आई वुड सिंपली से दैट कि किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ करके आपको अगर यूं समझ में आ जा रहा है तो आप गलत फहमी पाल रखे हैं. किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको खुद उसको अगर मास्टर करना है तो यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू प्रैक्टिस, यू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड फिर आपको इनसाइड फीलिंग आती है कि नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि विच पर्टिकुलर फैक्ट इज बीइंग प्लेस्ड विद व्हाट लॉजिक. तो सिंसियरली पढ़िए और आगे चलते चलते हैं, जर्नी बहुत लंबी है. अगर आपको फिर भी अभी तक कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर लिखिए एंड आई वुड बी सॉल्विंग योर क्वेरी. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई रिक्वेस्ट दैट यू काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड मस्ट लेट एवरीबडी शुड बी प्रॉफिटेड बेनिफिटेड विद दिस. सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. मस्ट लाइक, मस्ट प्रेस लाइक so that it encourages us to do more and more. Thank you.